आज की इस ग्रामर क्लास में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन जो कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है ये बनता है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड से बनता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है हमारी खुद की परछाई या किसी भी चीज की उसकी खुद की परछाई या उसका अक्ष। तो खुद स्वयं अपने आप ऐसे कुछ वर्ड्स रिफ्लेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो इसका यूज किस तरीके से होता है वो देखने से पहले सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका यूज किस तरीके से होता है और कब होता है, सब्जेक्ट को किस तरीके से इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था सब्जेक्ट टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंगुलर और सेकंड होता है प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था आई ही शी इट एंड यू ऐसे वर्ड्स आते हैं, और प्लूरल में मैंने आपको बताया था वी यू दे या कोई भी प्लूरल यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे देखें हम यू रिपीट हो रहा है, यू हमारा रिपीट हो गया। तो इसके बारे में आप पहले से पता है आपको, इसका रीजन मैंने आपको पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि यू जो होता है वो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में काम करता है। कहीं कहीं इसको सिंगुलर आइडेंटिफाई किया जाता है और कहीं कहीं प्लूरल। तो ये रीजन है। अच्छा, इसके मैंने आपको पजेसिव केस बताए थे, ऑब्जेक्टिव केस बताए थे सब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन के। तो उसमें हमने पढ़ा था आई का क्या होता है मी, सेकंड ही का हिम, सॉरी आई का माय, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, यहाँ पे इट के लिए इट, यू के लिए योर, वी के लिए आर, यू योर दे देन, इस तरीके से। इनके ये जो केसेस है इन्हीं को हमें इसमें यूज करना है। वो आई होप आपने उस पर्सनल प्रोनाउन में मैंने जो टेबल बनवाई थी उसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये वर्ड्स आपको काफी अच्छे से आने लगे होंगे। तो इन वर्ड्स का हम सेल्फ फॉर्म में यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम जो सेल्फ फॉर्म का यूज करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हम इनमें सेल्फ का यूज करेंगे, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में सेल्फ सेल्फ का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होगा तो हम सेल्फ सेल्फ का यूज करेंगे। इसका रीजन क्या है, जब किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं या चेंज करते हैं तो रूल्स में हमने पढ़ा होगा कि जिस वर्ड के लास्ट में एफ लेटर आता है वहां से हम प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटा देते हैं और उसकी जगह पर VES का यूज कर लेते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे हमें देखना है, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ्स का यूज करना है। ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सिंगुलर नाउन का एग्जांपल बताऊंगी और दूसरा प्लूरल नाउन का एग्जांपल बताऊंगी। देखिए, शी सिंगुलर प्रोनाउन है हमारा, सी हैज रिटन अ पोएम हरसेल्फ, ये मेन चीज है यहां पर हरसेल्फ। शी हैज रिटन अ पोएम हरसेल्फ, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, उसने स्वयं से खुद से एक कविता लिखी। तो यहाँ पे हम देखें सी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए हमने सी का हर यहाँ पे यूज किया है, सी के लिए हर हमने पढ़ा है, हर होता है सी का, तो सी के लिए हर, और चूंकि ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पे हमने सेल्फ ऐसी एल एफ यूज किया है। सी हैज रिटन अ पोएम हरसेल्फ, उसने खुद से एक पोएम लिखी। इसको हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी हरसेल्फ को फिक्स कर सकते हैं, सी हरसेल्फ हैज रिटन अ पोएम, इस तरह She herself
has written a poem. उसने खुद से एक पोयम लिखी. दोनों का एक ही मीनिंग है. अभी यहां पे हम एक प्लूरल सेंटेंस ले लेते हैं. प्लूरल प्रोनाउन को यूज करते हुए दे हैव डन वर्क. यहां पे आप देखें क्या यूज करेंगे हम. दे हैव डन वर्क देन सेल्फ्स. दे का क्या होता है देन सेल्फ्स. सेल्फ्स क्यों? क्योंकि दे प्लूरल प्रोनाउन है और अभी अभी मैंने आपको बताया प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स फॉर्म और सिंगुलर के साथ सेल्फ का यूज करते हैं. तो दे हैव डन वर्क देन सेल्फ. उन्होंने खुद से काम किया. किसी से हेल्प नहीं ली, कराया नहीं है, खुद से अपना काम किया या खुद से कोई काम किया, स्वयं कोई काम किया. तो बस यही हमारे सेल्फ फॉर्म. इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. खुद से कोई काम करना नाउन. जब अपने आप स्वयं से कोई काम करे या करता जो होता है सब्जेक्ट, वो बिना किसी की मदद लिए खुद से कोई काम करता है, तो वहां पर सेल्फ फॉर्म का यूज किया जाता है. अभी आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़ते रहने हैं सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन को यूज करके. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ फॉर्म का यूज करना है. इसके साथ साथ आप बोलने में भी ज्यादा यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा. आप दिन में कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आप कई बार कहते हैं मैंने खुद से ऐसा कर लिया, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए. तो वहीं पर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज करना है. आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ. मैंने अपना काम खुद से ही कर लिया. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. आपको खुद से करना पड़ेगा. तो इस तरीके से बोलने में आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी. और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन बताऊंगी. तब तक आप रिविजन करते रहिएगा. थैंक यू सो मच.